देखो ये लद्दाख में हमें अस्की डॉग मिले तो मस्त है भाई। भाई गई गई खाई में गई हमारी डिफेंडर नो। गाड़ी स्लिप होती होती जाए जा रही है। मैं इसे पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अरे कहाँ जा रही है वो? नो नो इतने स्लाइड हो रहे हैं। अरे चल 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 हो जाएगी। ओ भाई फॉर्चुनर कैसी स्लाइड होते हुए जा रही है देख रहा हूँ। अरे अरे नीचे नहीं गिरना। ओ ये यहाँ से नीचे जाना हमें और फिर यू कट मारते हो नीचे की। ओ क्या भयंकर रोड है भाई। अरे अरे बहुत ठंडा यार, मेरी तो नाक भी जम गई रे। देख सकते हो क्या माहौल हो रहा है पीछे का। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरी ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे आप लोग, होप करते हो सब बढ़िया होंगे मजे करोगे। तो मैं आपका प्यार जिमी आ चुका हूं आप सबके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेकर। पीछे का सीन आप देख सकते हो, देख रहे हो? अरे देखो ना अच्छी तरह देखो तो कितनी ज्यादा यहाँ पे स्नोफॉल हो चुकी है और हम फंस चुके हैं। देख सकते हो इतना यहाँ का मौसम खराब है। मेरी स्क्रीन देख लो भाई कैसी हो चुकी है मोबाइल की। ये देख लो बहुत खतरनाक सीन हो यहाँ पे ना। हम रुक गए हैं और फंसे पड़े हैं बहुत भयंकर तरीके से। क्या सीन हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा तसल्ली से, लेकिन उससे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो। अब जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप सबको पता होगा कि कैसे हमने उन वरना वालों की मदद करके आगे निकल गए थे। वो सारा रास्ता क्रॉस कर लिया था। उस दिन हम टेंट में रुके थे, फिर एक दिन गाइस हम रुके एक होटल में। होटल से निकलने के बाद हम आगे जाने लगे तो हमें भाई यही रोक दिया गया है। और इसका रीजन यही है कि तुम आगे नहीं जा सकते, बहुत गंदा रास्ता हो रखा है क्योंकि स्नो जम चुकी है। और आगे जाएंगे क्योंकि टायर नहीं हुआ, अपने आप स्लिप से हो रहा है। मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा क्या सीन है क्या नहीं। अब बोला तो ये जा रहा है कि गाड़ी आ रही है स्नो हटाने के लिए, देखते कितनी देर में नहीं आएगी। और मेन सीन जो है ना, ये जो आप देख रहे हो ये वाली गाड़ी, ये टोयोटा इनोवा HP नंबर हिमाचल प्रदेश की जो ये टोयोटा इनोवा है ना गाइस, ये बस अभी पहाड़ से गिरने वाली थी। यूं ही समझ लो ये जो इनोवा ये पहाड़ में गिर गई, यूं समझ लो आप। अब क्यों कह रहा हूँ मैं ये, क्योंकि इसको बचा लिया भाई कैसे ना कैसे। सीढ़ी है एक तो भाई देखो ये इतनी स्लिप होके, देखो नीचे आप देख सकते हो चढ़ाई वाला एरिया बिल्कुल। यू गाड़ी घूम के आई है नीचे की साइड से और ये ऐसी जगह इस साइड जाके यू कट ले लिया इसने भाई। इसीलिए HP वाले नंबर ने तो कह दिया भाई मैं नहीं चढ़ाऊंगा क्योंकि भाई इसकी 4x4 नहीं है गाड़ी, ठीक है। जब 4x4 गाड़ी इतनी संघर्ष कर रही है गाइस तो और गाड़ी तो आप समझ लो क्या ही करेगी। और ऊपर से आप देख सकते हो हरियाणा नंबर ये जो फॉर्च्यूनर है 1001 ये आराम से आ चुकी है। वैसे इसको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, पर थोड़ी बहुत हुई थी, ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत तो हुई थी। तो सबने गाड़ी रोक ली क्योंकि आपको पता है सबको पता चल गया कि भाई रास्ता खराब है, बोला जा रहा है तो रुक जाना चाहिए क्योंकि पीछे का हाल मैं भी यही चढ़ गया। मैं देख लेंगे क्या सीन है, 4x4 है पर गाड़ी बहुत गंदी स्लिप हो रही है, ऊपर चढ़ भी नहीं रही है। मैं आपको चढ़ा के भी दिखाऊंगा, तो चलो दिखाई देता हूँ आपको चढ़ा के बिना किसी देरी के। बाकी सैम ओली जिग्गू पटेल सब अंदर बैठे हैं और पिताजी से भी मेरी बात हो चुकी है। वो पूछ रहे थे मुझसे कि कब आएगा। मैंने कह दिया उन्हें कि आ जाऊंगा काफी जल्दी, बस निकल गया हूँ यहाँ से। ओहो, और बाकी टेंट इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ रुकने को बोल रखा है। तो मैं कहा ठीक है कमरा अपनी भाई थोड़ी सीधी कर लेते हैं टेंट पे। तो चलो अब आप दिखाते हैं आपको जलवा कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ ऊपर गाड़ी ले जाने से। और हाँ मैंने कहा पे एक मित्र भी बना लिया गाइस। ये देख रहे हो हस्की डॉग जो कि हमें इस लद्दाख में मिला है। देखो ये लद्दाख में हमें हस्की डॉग मिला तो मस्त है भाई। इसको मैंने थोड़े बहुत बिस्कुट वगैरह खिला दिए। तो चलो अब दिखाते हैं आपको मेन चीज कि क्या सीन है क्या नहीं। और बर्फ वाली गाड़ी का वेट कर रहा हूँ कि आए भाई थोड़ा रास्ता हमारे जाने के लिए तो बनाए। भाई बहुत गंदा सीन है, टायर स्लिप हो रहा, नहीं तो मैं तो ले जाऊं। तो देख सकते हो गाइस मैं हूँ गाड़ी के अंदर और अब अपनी गाड़ी बढ़ाएंगे। और देख लो अभी आप सोच रहे हो सही तो एरिया भाई चलाओ। देखो मैं आप सबके सामने स्पीड देने वाला हूँ और टायर देखना कैसे स्लिप होंगे। ये देख रहे हो, ये देखो कैसे मतलब गाड़ी कंट्रोल ही नहीं रही हो, ये पूरी देख लो कैसे घूम जा रही है अपने आप। अरे नहीं 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 ये देख लो अपने आप जाए जा रही है गाड़ी, मैंने बिल्कुल ब्रेक लगा रखा है यार। ये तो गलत सीन है, ये तो स्लिप ही हो जा रही है। अरे आगे चल। अरे ये क्या हो रहा है? अरे फंस गया मैं तो भाई बहुत गंदे तरीके से। तो देख सकते हो गाइस मेरी गाड़ी स्लिप होती जाए जा रही है। मैं इसे पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अरे कहाँ जा रही है वो? नो भाई रुक जा। तो देख रहे हो कि क्या सीन हो गया, हमारी जो डिफेंडर स्लिप होते हुए पहाड़ों के नीचे आ चुकी है, ये रुक नहीं रही है। देखो अभी भी ये देखो ये सीन है, देखो पूरे ब्रेक लगा रही है मैंने पर ये फिर भी स्लाइड होती जा रही है। देख रहे हो ये पंगा है यहाँ का। अब भाई मैं निकालू कैसे, ये पंगे वाला सीन हो गया। देखा आपने कि कैसे पहाड़ से नीचे आ चुके, शुक्र करो रास्ता वैसा था। अरे भाई अब डिफेंडर वाली गाड़ी को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है तो आप समझ जाओ। देखो पूरी रेस ले रखी है, टायर स्लिप होते जा रहे हैं, देख लो अपने आप ही घूमे जा रही है गाड़ी है। देखो पूरा गोल चक्कर लगाए जा रही, ये नहीं सीधी चल ले, ये संघर्ष खा रही है भाई इस रास्ते में गाड़ी। अब मैं ऊपर कैसे चढ़ाऊँ मैं तो यही सोच रहा हूँ। ये देख लो कैसे स्नो में चल रही है हमारी गाड़ी, ऐसा लग रहा है डिफेंडर कोई खिलौना और ये अपने आप ही चले जा रही है। देख लो टायर कैसे भयंकर तरीके से स्लिप हो रहे हैं भाई, ये तो भाई बहुत खतरनाक सीन है।
बच गया भाई, मैं मेरे को तो लगा गए आज हम। ये देखो मैं ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ पर हमारी गाड़ी चढ़ नहीं रही है, ऐसे टायर स्लाइड हो रहा है भाई इस बर्फ में। ओ नो, आज तो लगेगा गाइस फंस गए हम बुरे तरीके से। चलो प्रयास करते हैं भाई कहीं से निकालने नुकुलने की और फिर आपसे मिलते हैं। अब जाके थोड़ा सही रास्ता आया मेरे ख्याल से भाई। ये देख रहे हो गाइस, अब जाके गाड़ी को यहाँ पे ग्रिप मिली क्योंकि नीचे की साइड तो बहुत गलत सीन है। देखो फिर भी स्लिप होते होते हमारी गाड़ी चढ़ रही है। ओ भाई ये सीन है। और मैं कहता हूँ सामने जो पहाड़ है गाइस, आपको पता है मैं वहां पे था, कैसे हमारी गाड़ी स्लिप होकर नीचे गिरी। सही है भाई, गाड़ी पलटी नहीं, अगर पलट जाती ना तो हो गया था कांड, आज हो ही गया था कांड। और ये देख लो साइड में कैसा सीन है, मुझे ये रास्ता मैं क्रॉस कर चुका हूँ ऑलरेडी, दोबारा घूम के जाना पड़ेगा। पूरे तरीके गंदे तरीका हो गया भाई, ये तो बहुत गलत सीन हो गया आपको दिखाने के चक्कर में। देखो टायर कैसे स्लिप हो रहे हैं, इस साइड नहीं हो रहे, उस साइड बहुत हो रहे, तो इसलिए हम रुक गया भाई। और जिस चढ़ाई में हमने पहले देख लिया था कि भाई इससे आगे गाड़ी नहीं ले जानी चाहिए, वो चढ़ाई भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो लेट्स गो, चलते हैं वहाँ पे। बाकी देख रहे हो यहाँ नॉर्मल चल रही है गाड़ी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे तो इतनी गंदी स्लाइड हुई भाई, आपने भी देखा कि भाई ऐसा लगा कि गए आज हम। तो ये सीन होता है यहाँ पे। और हमारे पास स्नो चेन वगैरह भी नहीं, किसी के पास भी नहीं है भाई। अब देखते हैं वो ट्रक कब तक आएगा भाई, वो बर्फ हटाने वाला बोल तो रहे कि भेज रहे हैं, पर लेट्स सी। तो गाइस ये वो चढ़ाई है जहाँ पे हम चढ़ नहीं पा रहे हैं भाई, यही सीन हो रहा है। हमें ना दोबारा से नीचे से ना स्पीड बना के आनी पड़ेगी, यही सीन हो रहा है, हम चढ़ ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। ये पंगे वाला सीन है। देखो मैं दो बार प्रयास कर चुका, तो मैं सोचा एक बार आपको दिखा देते कि कौन से वो रास्ते जहाँ पे हम चढ़ नहीं पा रहे हैं। देख लो टायर इतने स्लिप हो रहे हैं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ चढ़ाने के लिए, मेन सीन ये थोड़ी सी पीछे से स्पीड बना के लानी पड़ेगी क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगी। देखो गाड़ी घूमगी पूरी की पूरी, ये पंगे हैं, क्या करें, करना तो पड़ेगा भाई। देख लो गाड़ी पूरी स्लिप होती होती जा रही है गाइस हमारी पूरी। देखो ऑटो अपने आप ही टायर चले जा रहे हैं, ये देखो कंट्रोल में नहीं है गाड़ी पूरी की पूरी। ये देख लो, ओ चल 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 चल, ये देख लो, ओ ये भयंकर सीन हो रहा है हमारे साथ। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। देख लो कैसे स्लाइड हो रहे हमारे, देखो गाड़ी कैसे स्लाइड जा रही है, ये ब्रेक नहीं लगते। और एक सीन तो ये होता है, देखो टेढ़ी हो जा रही है गाड़ी अपने आप ही। ये देख लो ये सीन है यहाँ पे। और यहाँ पे हम तीन गाड़ी जो यहाँ पे रुकी है ना, सबने देख लिया कि भाई आगे रास्ता और बेहाल है, तो आगे ले जाने से तो कोई मतलब नहीं बनता। तो देख लो ये सीन है पूरा का पूरा। पर फाइनली हम दोबारा पहुंच चुके हैं यहीं पे जहाँ पे हम पहले थे। अब वेट ही कर रहा हूँ, ओ देखो देखो ब्रेक नहीं लग रहे, दोबारा से ब्रेक नहीं लग रहे। अरे नहीं, ये है नीचे वाले रास्ता। और यहाँ पे देखो, ओ रुक जा, इस बार रुक जाएगी मेरे ख्याल से रुक गए भाई, इस बार रुक गई। ये तो पिछली बार आपने देखा रुक ही नहीं रही थी हमारी गाड़ी भाई, अब तो और ज्यादा यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। इतनी जल्दी एक बार वो आ जाए ना गाड़ी, फिर देखते क्या सीन हुआ क्या नहीं रे। और सबसे पहले हमारा ये यही सिनोवा को निकालने का। अरे ब्रेक नहीं लग रही, देखो अपने आप ही स्लाइड हो रही है हमारी गाड़ी। ये सीन हो रहा है इस बर्फ में क्योंकि बर्फ जम सी गई है, ऐसे कहते हैं ना ब्लैक आइस, वो हो चुकी है यहाँ पे। तो भाई बहुत खतरनाक रास्ते होते हैं, हमें तो आज निकलना ही नहीं चाहिए था, हमें पता होता तो हम निकलते ही नहीं। यार अंकल जी हमें क्या पता था ऐसे ऐसा सीन होता है यार, हमें तो लगा चलो इससे हम फोन करेंगे हो जाएगा काम, अब हमें नहीं पता था ना ऐसा। तो गाइस दिक्कत हो चुकी है। वैसे तो देखो स्नो हटाने वाला ट्रक आ चुका है, आप देख सकते हो ये है वो ट्रक। अब अंकल जी ने कहा भाई यहाँ पे वैसी स्नो नहीं है कि इकट्ठी हो चुकी है रोड से हटा दे। तो यहाँ पे गाइस जैसे कि आपको मैंने बताया ना, ब्लैक स्नो बन चुकी है जिससे टायर स्लिप हो रहे हैं। इनके पास तो चेन है, ये देख लो इनके टायरों पे चेन लगी पड़ी है भाई। हमारे वाले दूसरे हैं भाई, सीन ये इन्होंने कहा अगर वैसे वाली स्नो होती तो ये हटा देते। तो देख सकते हो। और अंकल जी से मैंने कहा फिर कुछ तो हो सकता है, अंकल ने कहा देखो बात ऐसी है फिर भी मैं एक बार अपना ट्रक ले जाऊंगा ताकि तुम्हारी गाड़ी के लिए रास्ता बन जाए क्योंकि इनकी ये वाली है। तो देखते भाई क्या सीन होगा क्या नहीं। बाकी संकट वाला काम तो गाइस मुझे लग रहा है यार, अंकल कह रहे वैसे ना मत ही जाओ तो ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यहीं से आपको देख रहा होगा मिल रहा होगा कि आगे की साइड ना धुंध काफी ज्यादा हो चुकी है। अंकल का कहना ये है तुम यहीं से उल्टे मुड़ जाओगे तो ठीक है, पर हमने डिसीजन ये लिया कि एक बार ट्राई करने में क्या है। तो अंकल कह रहे ठीक है मैं आगे तक ट्रक लेके जाता हूँ, तुम्हारे लिए रास्ता बनाता हूँ, ट्राई करो तुम्हारी गाड़ी चढ़ जाए। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये इस इनोवा को चढ़ाने की क्योंकि इनोवा गाइस 4x4 नहीं है, हमारी तो है, चल जोर लगा लेंगे। अगर इनोवा को अकेला छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेट्स सी एक बार अंकल की उसमें बैठता हूँ मैं ट्रक में और फिर देखते क्या सीन होता है क्या नहीं, कैसे काम कुम कर रहा है सिस्टम पूरा का पूरा। चलाओ अंकल जी फिर देखे यार। साथ ही साथ देख सकते हो गाइस मैं बैठ चुका हूँ इस ट्रक के ऊपर जो कि स्नो हटाने वाला ट्रक है, मैं इसके ऊपर बैठ चुका हूँ। ये देखो इसमें स्नो चेन वगैरह भी लगी पड़ी है। अब अंकल जी ने कहा ये मशीन मैं चालू नहीं करूंगा, मैंने कहा क्यों अंकल जी, तो अंकल जी का कहने का मतलब ये भाई आगे बर्फ नहीं है ठीक है, पर मेरे कहने के अंकल मैंने कहा अंकल एक बार देख लो इससे भी कुछ हो जाए, अंकल जी ने कहा ठीक है भाई। वैसे देखो गाइस जब स्नो ज्यादा होती है ना ऑटोमेटिक स्नो इसमें आती है राउंड होकर साइड में हो जाती है, पर अभी देखो स्नो है नहीं ब्लैक स्नो है, तो अंकल जी ने तो स्नो चेन चला रखी है भाई, अंकल जी की तो चढ़ जाएगा आराम से चल जा रहा है ट्रक स्नो चेन की वजह से। और आपको पता हमारे में कितनी दिक्कत आती है, पर फिर भी देखो हल्के हल्के से स्लिप हो रहे हैं इनके टायर। अब
हम ये क्यों कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा रास्ता बन जाए और हम जहाँ जहाँ अंकल जी का ट्रक चलाए ना, वहाँ हम अपने गाड़ी पीछे पीछे लाते रहे, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। देखो स्नो होती तो अपने आप साइड में हो जाती, स्नो का कोई झुंड नहीं है, ये हो गया ब्लैक स्नो जमा हो चुके हैं यहाँ पे, इसलिए सीन पूरा का पूरा हो रहा है, देख रहे हो। बाकी चलो अंकल जी आए तो थोड़ी बहुत मदद तो हो ही जाएगी। देखो भाई इनका ट्रक में देख रहे हो पीछे स्नो इकट्ठी हो जाती है अपने आप ही, देख रहे हो ये सीन है पूरा का पूरा। तो लेट्स गो, अब अंकल ये पूरा का पूरा काम कर देंगे और अंकल जी को आगे की साइड ही निकलना। मैं देखना चाहता था कि कैसे सीन होता है कैसे नहीं, पर अंकल जी ने वैसे तो मना ही कर रहे कि मत ही जाओ भाई, तो यूँ ठीक रहेगा। देखो खड़ी चढ़ाई है, अरे 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 अंकल ये डर लग रहा मुझे भाई, यही रोक दो अंकल जी, मैं यही उतर जाता हूँ गाइस, कि मेरे को उल्टा भी तो जाना, मैं तो मजे में आ गया था आपको दिखाने के लिए कि कैसे सीन होता है। देखो अब अंकल जी ला रहे तो निशान हो रहे होंगे भाई, थोड़ी सी स्नो में हो भी जाए ना कि हमारी गाड़ी निकल जाए, हम बस ये चाहते हैं। तो गाइस अब सीन कुछ ये है, HR नंबर वाली जो फॉर्च्यूनर है ये निकलेगी पहले, क्योंकि डिसीजन ये फॉर्च्यूनर आगे भेज देंगे, निकलेगी और उसके बाद फिर इनोवा, फिर मेरी गाड़ी जाएगी। देखते भाई क्या सीन होने वाला है क्या नहीं। ले ले भाई ले ले, देखो ये अरे रे 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 हो भैया आराम से, ठीक है आराम से लो 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 लो। देखो यहाँ तो कुछ नहीं, आगे देखते क्या सीन होगा, बस फॉर्च्यूनर चढ़ जाए भाई। ये देख लो गाइस टायर, देखो अभी ढला, ये देखो ब्रेक मार रहे हैं, ब्रेक मार रखी है इन फॉर्च्यूनर वालों ने, फिर भी इनकी गाड़ी नीचे जा रही है। तो मैंने ये बोला झा झा वो ट्रक चलाना उनके पीछे पीछे चलाना, और मैं ऊपर इसलिए हूँ इनको बता पाऊँ कि क्या सीन है क्या नहीं, और इनको मैंने बोला रेस कम ही देना, क्योंकि देख रहे हो टायर कैसे, देखो ब्रेक मारेंगे ना ये तो टायर स्लाइड हो रहे, देखो ब्रेक नहीं लग रहे, ये सीन है। तो चलो भाई फॉर्च्यूनर वाले भैया ड्रे मत, निकाल ले। ओ ये देख रहे हो भाई फॉर्च्यूनर निकल चुकी है, बस निकल जाए ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बात है, अरे धीरे ले भाई फॉर्च्यूनर वाले, ये देखो भाई फॉर्च्यूनर भी स्लाइड हो रही है, ये सीन है यहाँ पे। पर चलो कोई नहीं, चढ़ जाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, फॉर्च्यूनर चढ़ जा रही है तो फिर अपनी तो चढ़ ही जाएगी भाई, अपनी का कोई डर नहीं है मुझे फिर, क्योंकि अपनी तो डिफेंडर है भाई। पर अब लग रहा है कि फॉर्च्यूनर को थोड़ा सा दम लग रहा है भाई, पर चलो कोई नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो कुछ नहीं आई, चढ़ाई ऊपर है भाई। ये देख रहे हो फॉर्च्यूनर वाले ने पूरी रेस दे दी है, सही है भाई ले 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 फॉर्च्यूनर कर सके तू, चढ़ जाएगी। तो ये देखो भाई फॉर्च्यूनर, भाई देखो स्किड हो रही है, स्किड फॉर्च्यूनर भाई स्लाइड हो रही है आराम से भाई। ओ ब्रेक पर अरे देखो ये देख रहे हो, और हमारा यही है जितनी हम राइट साइड गाड़ी दबा के चला सके उतना हमारे लिए ठीक रहेगा। चल भाई आगे और चढ़ाइए। तो गाइस फॉर्च्यूनर निकल रही है, मछली तो देखना पड़ेगा इनोवा में, ये फॉर्च्यूनर कम संघर्ष करिए, इनोवा ज्यादा करेगी क्योंकि भाई ये 4x4 में लगा रखी है अभी हमने। ये देखो भाई, ओ अरे नहीं, ओ तेरे भैंस क्या फॉर्च्यूनर घूम गया, ब्रेक लगा ले भाई, अब क्या करें, ये तो पंगा हो गया, और गाड़ी घुमाने लेके जाएंगे तो दिक्कत आएगी, रिवर्स गियर लगा भाई। ये देखो भाई अब रिवर्स में जाएगी फॉर्च्यूनर, अरे रिवर्स में तो नहीं जा रही है, अरे ये देखो भाई टायर स्लिप ही हो जा रहे, अरे तेरी, अरे नहीं, अरे तेरी भैंस की आग भला हो, तो देख सकते हो भाई फॉर्च्यूनर संघर्ष कर रही है, तो भाई मेरे को नहीं लगता वो चढ़ पाएगी। यानी ये देखो फॉर्च्यूनर कैसे घूम गई पूरी पूरी गाड़ी, ये तो दिक्कत हो जाएगी, इनोवा कैसे चढ़ेगी। बाकी फॉर्च्यूनर वाले ने गलती कर दी भाई, पूरी रेस में खींचे लेके जा रहा, थोड़ी स्टेबल रखनी थी गाड़ी। ओहो क्या करें, तो करते हैं भाई कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। ओ चल भाई चल, अब हम एक मिनट, सुन फॉर्च्यूनर वाले भैया यहाँ से क्या करना गाड़ी पिछले, ये तो इसने दिक्कत कर दी भाई, रिवर्स हो जाएगी गाड़ी, नहीं भाई रिवर्स ही नहीं हो रही, देखो कैसे टायर स्लाइड हो जा रहे इसके, ले लो पिछलो चलो यहाँ थोड़ी भाई हो रही है, थोड़ा सा बना यहाँ प्रोग्राम, अब करना क्या अपन को, बिल्कुल सीधी खींच के ले जाओ, लेट्स गो गाइस। देख रहे हो टायर स्लाइड ही हो रहे हैं, गाड़ी आगे नहीं चल रही भाई, ये देख रहे हो कितने स्लाइड हो रहे हैं, अरे चल हो जाएगी। ओ भाई फॉर्च्यूनर कैसी स्लाइड होते हुए जा रही है गाइस, देख रहे हो, अरे अरे नीचे नहीं गिरना, ओ ब्रेक, ओ तेरा भला हो भाई, इतने एज पे देखो फॉर्च्यूनर चल रही है भाई, थोड़ी उस साइड ले ले भाई, मेरे को डर लग रहा है तेरी फॉर्च्यूनर से, तो फॉर्च्यूनर अब निकल जाएगी गाइस। तो चलते हैं अब इनोवा के पास, चलो भाई चल, चला भाई चला, अब देखे क्या सीन होने वाला है क्या नहीं। रिवर्स क्यों ले, अरे यार इसने तो लगा, चल रिवर्स ले लो, अरे टायर स्लिप हो रहे है भाई इसके, तो ये कैसे चढ़ेगी भाई, ये तो यही स्लाइड हो रही, देखना ओ तेरा भला हो, चल भाई आगे ले, मेरे को नहीं लगता ये चढ़ पाएगी भाई। अरे यार स्नो चेन कोई नहीं लाया, क्योंकि एकदम से भाई यहाँ का मौसम बहुत गंदा, देख रहे हो इनोवा कैसी स्लाइड हो रही है भाई, ओहो बिल्कुल आराम से भाई, वैसे ये अंकल जी चला लेंगे क्योंकि इनको तो आदत है भाई ऐसे स्नो वाले रास्तों पे चलाने के लिए, बस इनकी गाड़ी थोड़ी सी इनकी जान दे दे, बाकी तो ये मेरे को लगता है कि अटकाएंगे गाड़ी, क्योंकि हिमाचल नंबर गाड़ी, तो भाई इन्हें आदत है वैसे तो इन रास्ते चलाने के लिए, पर ये भी रुक गए थे क्योंकि इन्होंने भी देखा भाई हाल थोड़े बेहाल है ज्यादा ही, तो देख रहे हो ओके, तो इन्होंने पहले ही रोक लिया गाड़ी, इन्हें पता है टायर उस साइड जा रहा है तो ऑटोमेटिक कट लेते जा रहे हैं भाई ये, ओके सही है भाई, मतलब देखो स्लाइड तो हो रही है इनोवा बहुत ज्यादा ही हो रही है, वही है ड्राइवर का भी फर्क होता है, बाकी देख रहे हो
चलो भाई चलो अंकल जी, ये देखो भाई, ये इनोवा का हाल है भाई। देख लो कैसे टायर घिसते घिसते चढ़ रही है। यही बात है भाई, पर अंकल को स्किल्स ज्यादा भाई है। ये अंकल है गाइस, कम से कम इनकी एज होगी 40 साल तक तो होगी। देख लो नीचे क्यों दे रही अंकल, स्किल्स का नाम लिया आपने तो गाड़ी नीचे गिर दी। ओहो वो ये ना, कभी कभी स्किल्स के साथ साथ थोड़ी गाड़ी आपका साथ दे दे तो सिस्टम बैठ जाता है। पीछे तक तो बिल्कुल आराम से लाए। जहाँ फॉर्चुनर 4x4 ऐसी तैसी करवा रही थी, और ये देखो ये यहाँ तक ले आया है। पर चलो कोई नहीं, ले लो पिछलो पिछलो पिछलो। ये इनको सिस्टम आता है भाई, बिल्कुल देख दुख के ले रहे हैं। पर वो ये भाई इनकी गाड़ी के टायर देख लो, कहाँ फॉर्चुनर के टायर कैसे होते हैं भाई। चढ़ जा बिल्कुल लहरा के गाड़ी को आगे की साइड ले जा रहे हैं भाई। ये देखना, ओहो क्या बात है अंकल जी, मोमेंटम आपको पता है कैसे बनाना। देखना भाई यही तो सीन है, ये स्किल्स काम आती है भाई ऐसी जगह। देख रहे हो भाई टायर बहुत गंदे स्लिप हो रहे हैं भाई इस इनोवा के, पूरा जोर लग रहा है पर ये गाड़ी चढ़ नहीं पा रही है। ओहो तो गाइस इनोवा को हेल्प करने के लिए फॉर्च्यूनर आ चुकी है। तो ठीक है भाई, ले लो। तो देखो दोनों, अरे भाई फॉर्च्यूनर वाले भैया ये ऐसे ही करवावे हर बार। पर चलो कोई नो, खींच ली भाई इन्होंने इस बार तो। देखो चढ़ा दी, सही है ले लो। अरे ओ भाई बहुत दम लग रहा है, एक तो रास्ते ऐसे हो, देखो भाई स्लाइड होगी गाड़ी, ये सीन है। पर फॉर्च्यूनर वाले भैया नहीं कह रहे इस बार तो खींच ले जाऊंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा जोर लगा रहे इसी इनोवा को खींचने के लिए, और इनोवा में भी हम पूरी ताकत लगा रहे। जब जाके चढ़ रही नहीं तो ऐसे भाई नहीं, अकेले फॉर्च्यूनर की बस की नहीं हो रही थी ऐसे तो चढ़ना। पर फिर भी देख रहे हो, सही है ये दोनों चढ़ जाए ना, फिर मैं अपना आराम से लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी 4x4 में ले जाऊंगा। जब फॉर्च्यूनर निकल गई तो मेरी तो निकल ही जाएगी ना मुन्ना, लेट्स गो। तेरा भला हो तो लेट्स गो भाई, ये भी चढ़ेगी अब तो, चले जाइए ऐसी धीरे धीरे ये दोनों गाड़ियाँ। अब हम चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि अपनी तो निकाल ले, दुनिया की निकलवा दी हमने। प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। निकल गए गाइस हम अपनी डिफेंडर लेके। देखते डिफेंडर क्या सीन करेगी क्या नहीं। देखो पिछली बार ये आपने देखा कि नीचे चलेगी थी, और इसका रीजन ये था क्योंकि भाई इसको मैंने उस टाइम 4x4 में नहीं लगा रखा था सिस्टम। लेट्स गो ठीक है। अब भाई देखो वो ट्रक नहीं आते ना स्नो वाले, वो रास्ता नहीं बनाते हमारे लिए स्नो चेन से, तो भाई हमारी कोई सी की गाड़ी नहीं चढ़ पाती। देख लो दोनों गाड़ी हमने निकलवा दी है। हाँ इनोवा को थोड़ा सा जोर लगा, निकल जाती वो फिर भी, पर हमने कहा जब गाड़ी है तो दस्सी बांध कर निकाल ही लेते हैं। हमारी गाड़ी हम बिल्कुल सही लेके जा रहे हैं, और अभी मैं आपको ब्रेक मार के दिखाऊं स्पीड होगी हमारी गाड़ी में। देखो कैसे स्लिप हो रही है हमारी गाड़ी में, नहीं लगते भाई ब्रेक यहाँ बर्फ में। यही सीन है, अगली बार से आऊंगा ना भाई स्नो टायर मतलब स्नो चेन लेके आऊंगा, ये सीन है। और हमारे टायर भी तो नॉर्मल है, पर चलो कोई नहीं, हमारे में तो मोड्स भी है अलग अलग भाई, हमने स्नो मोड कर रखा है वैसे तो, और गाड़ी पूरा प्रयास कर रही है वैसे चलने का। तो यही है भाई डिफेंडर के फायदे। ये देखो भाई वैसे ओहो आवाज सुनो, देख लो कैसे झुर 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 आवाज कर रही है, मतलब ये मोड की वजह से आवाज आ रही है किस। ओ ये देखो भाई अपनी डिफेंडर भी देखो इस जगह हार मार गई भाई, ये मुझे तो चलाने में नहीं आती भाई इस इलाके में। चढ़ जा पर जान है हमारी गाड़ी में। ओ तेरा भला हो, स्क्रैच ना आ गए हो भाई। तो भाई ये तो बहुत खतरनाक रास्ते है गाइस मैं आपको बताऊं तो, और यहां तो इनोवा गिरते गिरते बची, और फॉर्च्यूनर भी मेरी मारे मैं कहां दे रहा हूं, और ये कहां देखो ऐसे टेढ़े मेढ़े जा जा रहे। देखो भाई रेस दे रहा हूं टायर सीधी की बजाय, अरे पीछे ओ भाई गई खाई में गई हमारी डिफेंडर, नो पीछे ले रहा हूं भाई, इस बार कोई कॉमेडी नहीं चाहिए, लेट्स गो पीछे ले लेते हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है देखो, एक तो हमारे टायर काफी ज्यादा घिस चुके हैं, मैं आपको बताऊंगा इसी का टायर चेंज कराने का टाइम आ चुका है। मैंने इतनी चला दी है, देखो मैंने सेट स्टीयरिंग मोड़ दिया, अब मैं रेस दूंगा हमारी गाड़ी आगे जगह, देखो आगे जाने की जगह साइड में हो जाएगी गाड़ी। देख रहे हो देखो क्या हो रहा है, ये सीन हो रहा है। देखो अपने आप ही रेस दे रहा हूँ, देखो कैसे कप कप आ रही है गाड़ी, ये सीन हो रहा है हमारे साथ भाई। शायद मेरी गाड़ी के टायर घिस चुके हैं इसीलिए, और दो बार ऐसे पौधे और तोड़ दिए मैंने भाई। ये पंगे वाला सीन है भाई बहुत भयंकर। अभी आप भी सोच रहे होंगे भाई तुम तो बहुत गलत फंस चुके, देख रहे हो हम इस रास्ते से ही नहीं निकल पाए, पर अपनी डिफेंडर में तो ही जाना। देखो ये यहाँ से सीधी निकल चुकी है भाई, वो थोड़े थोड़े इंजन की भी तो होती है ना। अरे नहीं, अरे तेरी है इसकी भला हो, मैं तो पेड़ ही तोड़ता जा रहा हूँ ये। ओहो तेरी, अरे चढ़ जा। तो भाई फाइनली हम यहाँ से निकल चुके, मेरे को लग रहा है वो दोनों भैया निकल गए, मैंने उन्हें कह दिया था तुम निकल जाओ मैं आ जाऊँगा, फॉर्च्यूनर वालों को भी और इनोवा वालों को भी। तो देख रहे हो कैसे हम लेके आ गए हैं इस गाड़ी को। तो फिलहाल गाइस मैं आपको ड्रोन एंगल से दिखा रहा हूँ हमें कितना आगे निकलना है। वो रास्ता हमने पूरा क्लियर कर दिया जहाँ थोड़ी दिक्कत वगैरह थी, अब यहाँ इतनी कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। पर रोड जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो मैंने ड्रोन उड़ा दिया है, तो ये देखो रोड देख रहे हो गाइस। ये हम ऊपर वाली पहाड़ी से आए हैं, मैं आपको दिखा दूँ तो ये जो साइड वाली पहाड़ी आप देख रहे हो वहाँ से हम आए हैं। वो भाई आगे तो कुछ गिरा हुआ है, तो ये देखो रोड देख रहे हो, ये यहाँ से नीचे जाना हमें, और फिर यू कट मारते हो नीचे की। ओ क्या भयंकर रोड है भाई, ये देखो वहाँ पे कोई ट्रक कट ले रहा है, तो ये देखो सांप जैसे लहराते हुए रोड, इन रोडों से हमें गाड़ी ले जाते हुए लेके जानी है।
देख लो मतलब दिमाग खराब तो होने वाले रास्ते है भाई। तो ऐसे ही रास्ते आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, देख लो कैसे कैसे रास्ते भाई, आड़े टेढ़े घूम 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 हो रहा है मेरा तो। और हमें जाना उस ब्रिज तक, आज अपना सोच रखा है वहां तक तो निकल ही लेंगे क्योंकि उसके आगे एक होटल है हमने पता करा है। तो लेट्स गो, चलते हैं भाई आगे, देख लो कैसे नाग जैसे रास्ते, कती नाग जैसे, कती नागिन नागिन करेंगे अभी हम। ओह तेरा भला, ओ निकलते हैं भाई यहाँ। तो काफी लोग तो पूछेंगे कि भाई तुम यहाँ रुके ही क्यों थे। हम रुके थे भाई थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए, तो खाना पीना हो गया अपना, लेट्स गो। हाय रब्बा मार सुटिया पापड़ वाले, देखो गाड़ी अपने आप क्यों हिल रही है, भूकंप तो नहीं आ रहा यहाँ। ओ तेरे भाई लद्दाख में भूकंप आ चुके गाइस, आप देख रहे हो गाड़ी हमारी ऑटोमेटिक खुद ही हिल रही है। ओ हो हो, कितना डर लग रहा है मेरे को। थोड़ा सीन है कि टायर स्लाइड हो रहे हैं पर अपन धीरे धीरे ही निकल रहे हैं। देख रहे हो स्लाइड हो रहे हैं टायर, ऐसा नहीं है पता हर जगह ऐसा सीन हो गया भाई। गाड़ी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है हमारे लिए वैसे तो, पर सही है यार पर ऐसा तो कर लेंगे। हम ज्यादा स्पीड में रख भी नहीं रहे गाड़ी, आप देख सकते हो इतनी बस 40-60 चले जा रहे, ओके इससे ज्यादा नहीं जा रहे। ये रास्ता थोड़ा खाली दिख गया यार, उनके साथ साथ ही रहना चाहिए था मुझे, मैंने गलत बोला, उन तुम चले जाते। अरे ये देखो गाड़ी अपने आप टाइट साइड में गई ना, ब्रेक नहीं लग रही। ओ तेरा भला हो, अरे रे 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 रे, ओ ये क्या कलेश है भाई। ये देखना कहाँ जा रही गाड़ी अपने आप ही, यूँ लहराती जाती है भाई गाड़ी, ये कलेश है बहुत गंदा। तो और यहाँ तो एक्सीडेंट हो गया भाई किसी गाड़ी का यार, भाई बहुत धीरे चलानी पड़ेगी मेरे को लग रहा है इसी चक्कर में, देख रहे भाई एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। अरे ब्रेक लग जा, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, देख रहे हो कैसे हल्का सा टच होने से बचे, टायर स्लाइड हो जा रहे हैं यार। मेरे को लगा टायर चेंज कराने ही पड़ेंगे भाई इसका सिस्टम, नहीं तो ऐसे तो मैं फंस जाऊंगा बहुत गंदा। ये तो कलेश वाला सीन है भाई काफी ज्यादा। लेट्स गो, ओके भाई डर लग रहा मुझे तो काफी ज्यादा, देखो टायर हमारे स्लाइड हो रहे हैं यार। अरे अब तो भाई जाऊंगा तो वहीं करवाऊंगा सारा सा काम इसका, बाकी तो गाड़ी ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं दे रही, देखो टायर घिस चुके वो तो मेन सीन है भाई, बाकी वैसे इंजन इसका बहुत पावरफुल है भाई गाड़ी का। तो देख रहे हो हम और आगे की साइड पहुंच चुके, मैंने तो ये सोचा था थोड़े यहाँ पे ना स्नोमैन वगैरह बनाएंगे, कुछ स्नोबॉल से एक दूसरे को मारेंगे। अरे ओ खाई है, बहुत आराम से लेनी पड़ेगी, देख रहे हो बहुत आराम से। पर वो चीज़ हमने सोचा कि निकल लो यहाँ से जितनी जल्दी निकलेगी, जब अपने इलाके में स्नो पड़ेगी ना जब खेल लेंगे स्नो से गाइस, हमने ये सोचा है। और साथ ही साथ अगले वीडियो में मैं आपको एक तगड़ी सी चीज़ बताने वाला हूँ, फिर आप बताना मैं उसकी वीडियो डालनी चाहिए या नहीं। वो भाई वहाँ तो ट्रक फंसा पड़ा, मैं निकालूंगा कैसे, एक तो नागिन जैसे भाई रास्ते, खुद देखो आप टायर कैसे स्लिप हो रहे हैं भाई पूरे के पूरे। ओ तेरा भला, ओ अरे 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 ब्रेक 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 ब्रेक, ये देखो खाद भाई कहीं डैमेज ना हो गया हो गाड़ी को यार। इतनी स्लिप भी क्यों हो रही है भाई, ये समझ नहीं आ रहा मुझे तो सिस्टम इसका। ये देख रहे हो, चलो कोई नहीं, ये देखो पूरी स्लिप होती होती जा रही है और वहाँ पे वो ट्रक हमारे लिए रुका है, ये क्या सीन हो, बंद तो नहीं हो गया। अब मैं कैसे लेऊंगा भाई, आगे ट्रक फंसा पड़ा गाइस आप देख सकते हो, मुझे यहाँ साइड से लेनी पड़ेगी। कोई नहीं प्रयास भाई, तो ये टायर स्लिप हो रहे पूरे के पूरे, ओ तेरा भर, ये देखो गाड़ी घूम गई भाई, ज्यादा रेस दे दी टायर वही के वही घूम गए। कोई नहीं करेंगे 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 करेंगे, मोड चेंज करते लो उससे शायद कुछ फर्क पड़े। तो गाइस मोड चेंज तो करा हमने भाई, फर्क तो पड़ रहा है देख रहे हो। ओ पहले कितनी स्लाइड सी हो रही थी भाई, पर देखते हैं, पर ये मोड लगाते हैं ना पावर ज्यादा ले रही है, और इसने देखो वो बता दिया कि भाई थोड़ा सा तेल ज्यादा लगेगा इसमें। निकालू कैसे भाई, इसने तो बड़ी गंदी फंसा रखी ट्रक वाले ने। अबे यार ऊपर से स्नो पड़ी हुई है, टायर स्लिप हो रहे हैं, और देखो मेरे को यहाँ कहाँ चढ़ाऊ मैं। ओहो एक बार हिमाचल में ऐसे हुआ था गाइस, उस जगह तो मैंने चढ़ा दी थी क्योंकि उस तरफ स्नो नहीं थी। ओके लेट्स गो, चलो 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 चलो, देख रहे हो कितना टच टू टच बचा भाई, डिफेंडर का एक्सीडेंट हो जाता भी लद्दाख में पर बच गया अपन। ओहो आंटी जी आराम से लेके जाओ भाई आगे, तो देखते भाई ऐसी खतरनाक रास्ते हमें और क्रॉस करने, आप देख रहे हो। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी इसके अलावा ऑप्शन भी तो नहीं है, घर भी तो पहुंचना है, निकल तो गए हम ट्रिप पे, पर ये ट्रिप अपने लिए कितनी भारी पड़ रही है गाइस वो तो आपको मैंने दिखाई दी, बहुत भारी पड़ रही है भाई, ऐसे भी नहीं छोटी मोटी भारी नहीं, बहुत भारी। और लगे आज फिर टेंट में सोना पड़ेगा रे, पर पानी बर्फ बन जाता फिर धोने में दिक्कत होती है हमें यार। तो ठीक है गाइस शाम का टाइम हो चुका है और हम थोड़े ऐसे रास्ते पहुंच गए जहाँ पे हम कुछ खाएंगे पियेंगे बस, कल वाला अपना मेन रास्ता जो कि हमें पार करना है। और कल वाले रास्ते से ना आपको ऐसा डिफरेंस देखने को मिलेगा, आप भी बोलोगे कि भाई क्या सीन है, एक जगह स्नो दिखेगी और दूसरी तरफ हरा हरा बिल्कुल, जहाँ पे स्नो नहीं पड़ी हुई है। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कल की वीडियो में, आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे हमने ऐसे
गंदे रास्तों से जहाँ बहुत डिफिकल्ट था भाई हमारी गाड़ी का भी निकलना और गाड़ियों का भी निकलना, जहाँ से हमने गाड़ी निकाली। अगली बार से जाएंगे तो स्नो चेन लेके ही जाएंगे। तो होप करते वीडियो में मजा आएगा। मजा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। यू उठाना चंगा फिर अगली।